हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो बेटा देखो, आज आपका फिजिक्स का टेस्ट है 11th और 12th दोनों क्लासेस के लिए। तो उसके रिगार्डिंग मैं कुछ आपको इंस्ट्रक्शन देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, तो ध्यान से सुनो। ये इंस्ट्रक्शन मैंने बोर्ड पे भी लिखी हुई है और मैं इनको एक एक करके आपको एक्सप्लेन करूंगा। देखो बेटा, पहला पॉइंट सुनो। पहला पॉइंट आपका ये रहेगा कि जो आपका ये टेस्ट है, शॉर्ट में बताता चलूंगा, आप बिल्कुल ध्यान से सुनते चलो। 25 MCQs होंगे। पहली बात तो इस टेस्ट के अंदर आपके कितने क्वेश्चन होंगे? 25 MCQs होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, जो कि सारे करने हैं। ऐसा नहीं है कि चॉइस है, चॉइस नहीं है, ऑल आर कंपलसरी। दूसरा पॉइंट है कि इस टेस्ट की जो टाइमिंग रहेगी बेटा, टाइमिंग आपकी रहेगी 30 मिनट्स की। कितनी रहेगी? 30 मिनट्स की। दो पॉइंट। तीसरा पॉइंट, जब भी आप ये टेस्ट देने बैठो, टेस्ट से पहले आपके पास पेन और नोटबुक होनी चाहिए, क्योंकि फिजिक्स के अंदर आपके डायमेंशनल फॉर्मूले या कोई न्यूमेरिकल आएगा और उन न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने के लिए बेटा आपके पास एट द टाइम, एट द मोमेंट आपके पास क्या होना चाहिए? कॉपी और पेन होनी चाहिए। तो पेन और नोटबुक आप अपनी लेके बैठे टेस्ट से करने से पहले। चौथा पॉइंट है, जो आपके पास लिंक भेजा जाएगा, मैं लिंक भेजूंगा, वो लिंक ओपन करने का टाइम, ये बिल्कुल ध्यान से सुनो, लिंक ओपन करने का टाइम 5 to 5:15 PM होएगा। 5 बजे से 5:15 PM 15 मिनट है आपके पास वो लिंक ओपन करने के लिए। ठीक है, 11th और 12th दोनों क्लास के स्टूडेंट्स आप ध्यान से सुनो, 5 से 5:15 बजे तक का आपके पास लिंक ओपन करने का टाइम रहेगा। After complete the, जब आपका टेस्ट कंप्लीट हो जाए, 25 क्वेश्चन आपने आंसर दे दिए और आंसर देने का आपको देखो जो चार ऑप्शंस होंगे, चार ऑप्शंस पे मान लो आपका ऑप्शन पहले क्वेश्चन का आंसर है, मान लिया बी, तो बी के ऊपर जो ही आप क्लिक करोगे तो वो ब्लैक डॉट हो जाएगा, मींस आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, आगे वाले क्वेश्चन पे चलिए। जब आपके 25 क्वेश्चन हो जाए, 25 क्वेश्चन होने के बाद एट लास्ट, लास्ट वाले 25 क्वेश्चन के नीचे आपका सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, आप सबमिट कर दोगे, टेस्ट को सबमिट करेंगे। सबमिट होने के बाद टेस्ट, आप सबमिट होने के बाद आपका जो जो ही स्क्रीन आएगी, स्क्रीन के ऊपर आपका रिजल्ट भी आ जाएगा, भाई हैंड रिजल्ट आ जाएगा कि भाई आपके 25 में सिर्फ 24 ठीक है, 20 ठीक है, 18 ठीक है। क्लियर होगी बात ये? हाँ, अब ये जो 6 पॉइंट है, ये 6 पॉइंट आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे बेटा, आपकी प्रेजेंस मस्ट है, प्रेजेंट होना जरूरी है, आपको ये होना चाहिए 4 बजे, ये दिमाग में आ जाना चाहिए पॉइंट कि 5 बजे मेरा पेपर है, रेडी उसके लिए हो जाना चाहिए। ठीक है, आप उसके लिए रेडी रहेंगे, प्रेजेंस मस्ट है। मैंने मैसेज के थ्रू भी बताया था कि आप अगर एब्सेंट हुए तो देख लेना आपका मार्क्स, इंटरनल मार्क्स कटेंगे। क्लियर होगी ये बात? ये बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, टेक इट इजी। टेस्ट को ऐसा ना मानो कि ऑनलाइन टेस्ट है तो पता नहीं क्या चीज है। ऑनलाइन टेस्ट बहुत ही इजी है, स्मूथ है, बल्कि रिटर्न से, रिटर्न वाली प्रॉब्लम्स आपकी क्या होगी, बस एक आध न्यूमेरिकल आपने सोल्व करके देखना है, फटाफट ABCD पे क्लिक करते चले जाओ। क्लियर होगी? बिल्कुल आसान चीज है ये। ओके, इसके बाद भाई एट लास्ट मैं इधर इस पॉइंट पे आ रहा हूं, इधर प्रिपरेशन मोड। अभी क्योंकि आप मान लिया मैं इसको वीडियो को आपके 10 बजे डाल रहा हूँ या 10:30 बजे आपके पास पहुंच जाएगी ये वीडियो, तो उसके बाद आपके पास टाइम बहुत सारा रहता है। सिलेबस मैंने बिल्कुल थोड़ा सा दे रखा है, उस सिलेबस में आपने मेनली क्या पढ़ना है, एमसीक्यू की तैयारी कैसे करते हैं। जैसे मैं प्लस टू की बात करूं तो प्लस टू में क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहला टॉपिक है करंट, करंट क्या होता है, क्या उसका डायमेंशनल फॉर्मूला है, क्या उसकी यूनिट है। फिर उसके बाद आ गया ओम्स लॉ, क्योंकि बेटा डेरिवेशन तो आएंगे नहीं, अब आपने पढ़ने केवल और केवल फॉर्मूले। क्या पढ़ने हैं? फॉर्मूले, क्यों और कैसे, ये तीन चीजों पे ध्यान रखो, फॉर्मूला, क्यों और कैसे, फॉर्मूला, क्यों और कैसे। तो इन तीन चीजों को ध्यान रखो, 11वीं क्लास के लिए भी यही है। जैसे हम मान लिया फिजिक्स में पढ़ते हैं कि फिजिक्स क्या होता है भाई, फिजिक्स की ब्रांच क्या, कौन कौन सी है, कौन कौन से लॉज हैं, कौन सा लॉ वीकेस्ट है, कौन सा लॉ स्ट्रॉन्गेस्ट है, कितना स्ट्रॉन्ग है, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, कौन सा रिलेशन राइट है, कौन सा रिलेशन रोंग है। तो ये सारी, इसमें इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 पार्सेक की वैल्यू कितनी होती है, तो ये सारी चीजें बेटा कर रखी हैं आपने। डेरिवेशन डेफिनेशन कुछ नहीं करनी, बस आपने रिलेशन, उनकी न्यूमेरिक वैल्यूज और उनके डायमेंशनल फॉर्मूले, आप इस तरीके से प्रिपरेशन करो। हर एक फिजिकल क्वांटिटी, कोई फिजिकल क्वांटिटी बचनी नहीं चाहिए आपके कि मतलब नजरों से के नीचे से जाने से। हर एक का फॉर्मूला लिख के देखो, हर एक का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख के देखो, हर एक की डेफिनेशन चेक करके देखो, बस ये तीन चीजें करनी है। डेरिवेशन तो अभी आपने
इसमें ऑनलाइन टेस्ट में करना ही नहीं है, उसके लिए कभी सब्जेक्टिव टेस्ट में ले लूंगा। तो ऑनलाइन टेस्ट की प्रिपरेशन कैसे की जाती है ये मैंने आपको भी बताया है। तो दोनों क्लासेस के स्टूडेंट्स बेटा बिल्कुल ध्यान से और बहुत अच्छे से, मैं उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे बच्चे हैं बिल्कुल बहुत अच्छा से टेस्ट देंगे ये, वेरी गुड प्रिपरेशन के साथ, ठीक है बेटा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैक्सिमम 100% प्रेजेंस इस टेस्ट के अंदर बच्चों की रहेगी। क्लियर, ऑल द बेस्ट बेटा। लिंक का ध्यान रखना, लिंक कितने बजे खुलेगा, 5 से 5:15 बजे की टाइमिंग है, 30 मिनट आपको मिलेंगी, 30 मिनट में 25 क्वेश्चन सोल्व करने हैं, क्वेश्चन सारे स्मूथ हैं, आपके किए हुए हैं, ठीक है, बिल्कुल सिंपली इजी वे से आप इसको अटेम्प्ट करोगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।